भारत और कोरिया के मैत्रीपूर्ण संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 200 बौद्ध धर्मावलंबी कुशीनगर पहुंचे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भारी संख्या में लोगों ने कोरिया के विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कोरिया के विशिष्ट दल के साथ पैदल मार्च किया। भारत सरकार के विशेष मेहमान के रूप में कोरिया से आने वाले दल के सदस्यों ने भगवान बुद्ध के अंत्येष्टि स्थल रामभर स्तूप पर विशेष पूजा की। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल रामभर स्तूप पर पहुंचे कोरिया के विशिष्ट दल के सदस्यों ने भगवान बुद्ध के उपदेश का पाठ किया। कोरिया से आने वाले शिष्टमंडल में 111 अति विशिष्ट और 89 लोग स्टाफ के रूप में शामिल हैं। भारत और कोरिया के मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर के कोरिया से जो पैदल यात्रा करके जो अतिथि लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, ये दोनों मैत्री को, दोनों देशों की मित्रता को और मजबूत संबंध बनाने का काम करता है। दोनों देशों की जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान करने का एक बहुत अच्छा सा प्रयास है। पूरी दुनिया में बुद्ध के विचार जितने वर्तमान में प्रासंगिक हैं उससे पूरी दुनिया को मैत्री और करुणा का संदेश मिलता है कि अगर मानवता और इंसानियत के रूप में अगर हम जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो मैत्री और करुणा के बिना हमारा जीवन। विश्व के जो राष्ट्रीय परिदृश्य में 50 साल पहले भारत और कोरिया का मैत्री संबंध स्थापित हुआ, उस आधार पर अनेकों उतार चढ़ाव आने के बाद भी जो है हमारा संबंध और स्थापित रहा। वहाँ के लोगों ने इच्छा जताया और भारत सरकार ने, देश के सभी साधु संतों ने जो है इनके स्वागत का अनुमति लिया। उसी आधार पर इन्होंने 45 दिन की यात्रा निकाली।